देसी काऊ घी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको देसी घी और ब्लड प्रेशर के बारे में बताने वाले हैं। कैसे घी का सेवन आपके बीपी को कंट्रोल कर सकता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाना मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं देसी घी की। भारतीय किचन की शान है इसके मसाले और देसी घी का स्वाद। हर इंडियन फैमिली में घी जरूर खाया जाता है। घी लगी रोटी ना हो तो सब्जी भी बेस्वाद लगती है, और दाल में जब घी का छौंका लग जाए तो फिर क्या ही कहने। वैसे दाल मखनी और तड़का दाल के ऊपर जब एक चम्मच देसी घी आ जाए तो बस स्वाद तो पूछिए ही मत। कुल मिलाकर देसी घी भारतीय व्यंजनों के स्वाद को और बढ़ा देती है, लेकिन इसके फायदे स्वाद से भी कई गुना ज्यादा हैं। लेकिन देसी घी को लेकर हुए दुष्प्रचार ने लोगों के मन में ये डर बैठा दिया है कि इसे खाने से आप मोटे हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और तमाम तरह की बीमारियां घर कर जाएंगी। लेकिन असल में सच कुछ और ही है। सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर की माने तो घी स्वास्थ्य के लिए किसी सुपर फूड से कम नहीं है। नियमित तौर पर घी का सेवन करने से ब्लड प्रेशर की समस्या को भी काबू किया जा सकता है। रुजुता की इंस्टाग्राम वीडियो पर जाएं तो आप देखेंगे कि देसी घी को लेकर वो लोगों के भ्रम लगातार मिटा रही हैं। न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक आप अपने नाश्ते, लंच और डिनर में एक एक चम्मच घी शामिल कर सकते हैं और पीसीओडी, डायबिटीज, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, कब्ज, एसिडिटी और कमजोर हड्डियों जैसी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की। कैसे देसी घी इसमें मददगार हो सकती है। दरअसल हाई बीपी और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए देसी घी का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक घी शरीर में लिपिड को बढ़ाकर मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद मिलती है। साथ ही नियमित तौर पर घी के सेवन से रक्तचाप भी नियंत्रित रहता है। इसके अलावा देसी घी का सेवन आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, कब्ज की समस्या भी नहीं होती। एक देसी घी का नुस्खा बताएं तो आप लहसुन के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से बीपी एकदम नियंत्रण में रहता है। दाल में तड़के के रूप में, रोटी में लगा के, दूध में मिला के आप किसी भी तरह से देसी घी का सेवन जरूर करें। शुद्ध देसी घी से जुड़ी जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें और हमारे चैनल देसी काऊ घी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।